वहीं पंजाब में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। पटियाला जिले के राजपुरा में ट्रैफिक पुलिस की ओर से लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है, साथ ही सख्ती भी बरती जा रही है। राजपुरा में बिना मास्क के घूम रहे करीब 200 लोगों को मास्क बांटे गए। कोरोना पर अलर्ट, पंजाब में कोरोना पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब बिना मास्क पहनने वाले लोगों की खैर नहीं, पुलिस की ओर से सख्त हिदायत दी गई है, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 200 से ज्यादा लोगों को मास्क भी बांटे गए हैं। लगातार कोरोना मरीजों का जिते आंकड़ा वधदा जा रहा है, उत्थे ही कितना कितने पुलिस प्रशासन भी हुण सख्त दिखाई देना नज़र आता है। असी राजपुरा के मेन बाजार में खड़े हैं, तुसीं देख सकते हो इत्थे एक लेडीज़ नूं रोकिया गया, जिन्हां नूं रोक के सुचेत भी किया जा रहा है और मास्क भी दिता जा रहा है। की कहना चाहते हो भी पंजाब पुलिस ने तुहानूं रोकिया, तुसीं पहली गल तां दस्सो मास्क क्यों नहीं पाया सी? सर मेरी मिसटेक है जी, मैनूं पा के आना चाहिए सी, बट पुलिस अपना बहुत वधिया काम कर रही है सर, लोगों नूं मतलब बहुत वधिया तरह जागृत कर रही है कि तुसी अपना मास्क पाओ, अपना बचा करो। पर लोग पुलिस तो डर रहे हैं, मेरे हिसाब से पुलिस डरना नहीं चाहिए, उन्हों का अपन साथ देना चाहिए। बाकी मेरी गलती है सर, मैं अपनी गलती सॉरी फील कर रही हूँ, ठीक है जी। तो बाकी मैं यही कहना चाहवागी कि सारे मास्क ला के जाना चाहिए, कि पुलिस अगर असी अपन मतलब जिम्मेवारियों समझा तो वो सानू मतलब इदा क्यों रोकन गया, है ना, साड़ी अपनी गलती है। बाकी थैंक यू सर। सुन सकते हो कि कितना कितने पुलिस वालों रोक के इन्हों जागरूक भी किया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार जो कोरोना मरीजों का आंकड़ा पंजाब के वधदा जा रहा है, कितने कितने लोगों के मन में यह भी डर है कि दोबारा पुलिस प्रशासन या पंजाब सरकार वालों सख्ती वरतदी है, कि पंजाब सरकार दोबारा लॉकडाउन ना लावे। साढ़े नाल ट्रैफिक इंचार्ज मौजूद ने, उन्होंने गलबात करनी चाहवे सर, किस तरह का अज का जो उपराला कर रहे हो? अज असी प्रधान व्यापार मंडल नरेंद्र सोनी जी नाल मिलके उन्होंने सहयोग नाल शहर राजपुरा विच करीब 200 मास्क वंडे ने, ते लोकां नूं अवेयरनैस भी कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ता कि सारे मिलकर सहयोग देने ते ठल पाई जा सके जी। सो किस तरह लगता कि होर जुर्माने भी किए जा रहे हैं या सिंपल जागरूक किया जा रहा है, कल मास्क दिए जा रहे हैं? असी चलान भी कट रहे हैं, तो लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। सो मास्क भी दे रहे हैं, तो जुर्माना भी किया जा रहा है और चलान भी किए जा रहे हैं। लगातार जिहड़ा कितना कितने पंजाब दे विच कोरोना मरीजों का जिहड़ा आंकड़ा है वह वधदा जा रहा है, और प्रशासन भी इस गल्लों लैके हुण सख्ती विच है। तुसीं देख सकते हो कि यह मेन बाजार है, इस बाजार दे विच लगातार जिहड़ा रश रहिंदा है और लोग इत्थों अपना शॉपिंग करन आउंदे ने, पर कितना कितने लोग भी अणगहली वरदे ने, जिस करके कोरोना मरीजों का आंकड़ा पंजाब दे विच वधदा जा रहा है। अज भी तुहानूं दस दईए कि 200 तो करीब जिहड़े नवें जिहड़े कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं, और लोग रोक रोक के उन्होंने जागरूक करने लिए हुण पुलिस प्रशासन ट्रैफिक पुलिस सरकार जिहड़ी है वो सख्ती वरती नज़र आती है। हुण देखना होगा कि वो लोग जागरूक होणगे, किस तरह कोरोना वायरस से निजात पावांगे। कैमरा परसन कुशमार सिंह नाल दया सिंह राजपुरा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पंजाब में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में हमारे संवाददाता दया सिंह की आप लाइव रिपोर्ट देख रहे थे, जिन्होंने कोरोना को लेकर बताया कि किस तरीके से राजपुरा में पंजाब प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है। कोरोना के चलते मास्क न पहनने वाले लोगों को मास्क भी बांटा जा रहा है।